डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसमें क्लास 10 मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ नई एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने 1.2 एक्सरसाइज नहीं करी है तो हमारी पुरानी वीडियोस देखिए आप, उसमें एक्सरसाइज 1.2 डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाया गया है। तो आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं जितने भी नंबर जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, रूट टू, रूट फाइव एंड इरेशनल प्लस रैशनल, यानी 3 + 2 रूट फाइव, इस टाइप के पूरे के पूरे नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करने सीखेंगे। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। तो इसे रूट फाइव को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। जैसा कि आपको पता है कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इसे हम प्रूफ करेंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो पहले हम इसे रूट फाइव को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। तो ये एज्यूम कर लिया हमने। तो रूट फाइव अगर रैशनल नंबर हम एज्यूम करते तो रैशनल नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम पी की जगह ए और क्यू की जगह बी लेते हैं यहां पर। तो देयर फोर रूट फाइव इक्वल टू ए बाय बी, लेकिन एक कंडीशन होती है पी और क्यू, यहां पर ए और बी है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ए और बी इनके बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी को प्राइम नहीं है, और ए और बी अगर को प्राइम नहीं है तो ये हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देगा, जिससे हम रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे कि रैशनल नहीं है तो हमारा इरेशनल होगा। तो यहाँ पर हम को प्राइम को बहुत इम्पोर्टेंट टर्म मानते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारा रूट फाइव का स्क्वायर ए बाय बी का होल स्क्वायर फाइव का रूट फाइव का स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से मिलेगा हमारा फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो एक बात यहाँ पर इस टर्म इससे क्लियर है, यहाँ पर ही क्लियर है कि फाइव डिवाइड ए स्क्वायर देन फाइव ऑल्सो डिवाइड ए। लेकिन काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते हैं इस टर्म को कि फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये फाइव डिवाइड ए स्क्वायर कैसे है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ कि फाइव को आप ए स्क्वायर के नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू फाइव को ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है हमारा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय फाइव, ए स्क्वायर डिवाइड बाय फाइव क्या दे रहा है हमारा, बी स्क्वायर।
यानी बी स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, 5a² को डिवाइड करेगा तो बी स्क्वायर मिलेगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें बात क्लियर हो गई, यहाँ से हमारी ये बात एकदम क्लियर है कि सिंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड ए, 5 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए हमारा 5 का मल्टीपल होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लो या फिर हमें हम पुट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 5 × c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ये लेट करते हैं कि बी स्क्वायर पुट कर देते हैं 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, तो यहां से हमारा मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c² 5 25 को कैंसिल करेगा और उससे हमारा मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c². अब सेम चीज पहले हमने ए स्क्वायर को डिवाइड करते हुए दिखाया था, अब हम 5 को बी स्क्वायर के को डिवाइड करते हुए दिखाएंगे। तो हमारा क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c², तो सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो यहां से हमारा, इससे हमारा क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट इफ 5 डिवाइड बी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड बी। तो यहां से हमने एक चीज देखी, ये क्वेश्चन 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ये देखा कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 तो कॉमन आ गया ए और बी में। तो देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर of a and b। तो जैसा कि हमने पिछली उसमें पढ़ा था, हमने देखा था शुरुआत में ही कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए a और b का, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ गया है। इसका मतलब 5 a में भी है और b में भी है, 5 a को भी डिवाइड करेगा, 5 b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। एजम्पशन क्या था, डेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हैंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे आप रूट 2 के साथ भी, रूट 3 के साथ भी कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो यहां पर सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसा कि हमें पता है, हमने ये पढ़ा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका यूज हम डायरेक्ट करेंगे यहां पर। इफ पी इज प्राइम नंबर देन √p इज इरेशनल नंबर, ये वाली थ्योरम लगेगी यहां पर। तो हम चलते हैं
क्वेश्चन पे, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सेम मेथड। बस इसमें पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ बातें ऑलरेडी प्रूव्ड है उनको यूज करेंगे, जैसे रूट फाइव इरेशनल नंबर है तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। हमें तो क्या करना है, पूरा का पूरा 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, आप रूट फाइव को नहीं करना है ओनली। तो यहाँ पर सेम मेथड वही, 3 + 2√5 इक्वल टू ए बाय बी, और ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हम यहां पर आप देखो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम नंबर को ले जाते हैं तो हमारा बी 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था। पहले एलसीएम लेंगे हम बी यहां पर, ए माइनस 3b 2√5, तो रूट फाइव इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन में 2b, 2b। तो यहां पर देखिए जो राइट हैंड साइड है हमारा, इसमें राइट हैंड साइड हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा ये, गड़बड़ हो गया एक, राइट हैंड साइड हमारा ये है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि ए हमारा, देखिए ए हमारा एक इंटीजर है, बी भी हमारा एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, और 2b, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस 3b पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर, और नीचे हमारा 2b और b हमारा जीरो नहीं है, ऑलरेडी हम कह चुके हैं, तो ये पूरा भी एक इंटीजर है। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, बस शर्त ये होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर यहां पर बी है, बी हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं कि बी हमारा जीरो नहीं है, तो ये हमारा एक रैशनल होगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी यहां पर हम ये लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफोर ए माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, बट रूट फाइव इज इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या, रूट फाइव इक्वल टू, यानी रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं होते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ये चीज इक्वल नहीं है कभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अजम्पशन गलत है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब देयरफोर हम ये कह सकते हैं 3 + 2√5 इज अ इरैशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें भी सेम टाइम के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझ लिया है तो। लेकिन इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं,
अब इसको आप समझ लो किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, तो हमारा पहला ये है नंबर 1/√2। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, सबसे पहले रैशनलाइज, तो रैशनलाइजिंग अब रैशनलाइज में आपको पता है कि 1/√2 इंटू √2/√2, और जब भी 2 बार √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आता है हमारा, तो ये हमारा देगा √2/2। तो इसका मतलब क्या है कि 1/√2 = √2/2। तो लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम हम इसको यूज करेंगे, यूज दिस, लेट अस एज्यूम √2/2 इज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √2/2 = a/b। हेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, बट बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √2b = क्रॉस मल्टीप्लाई में हम सीधा 2 को ही ले जाते हैं, 2a/b। अब यहां पर फिर सेम सिचुएशन क्या है आपकी कि ये जो √2 है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल, लेकिन ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, रैशनल। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर लिखेंगे हम सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, और यहां पर ब्रैकेट में बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी यहां पर 0 नीचे है हमारा, तो देयरफोर 2a/b इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर। हैंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हैंस, अब देखो √2/2 इक्वलेंट टू 1/√2, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट ये है तो इस पे आपने एक रैशनलाइजेशन किया है, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। तो सेकंड पार्ट है क्या था, देख लेते हैं, 7/√5, 7/√5 सेकंड पार्ट। तो 7/√5 सेम सिचुएशन, लेट अस एज्यूम, अब तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप फटाफट कर देंगे क्वेश्चंस को, इज अ रैशनल नंबर। मेरे साथ आप थोड़ा सा बोल के भी कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा हमारा, देयरफॉर 7/√5 इज इक्वल टू a/b। ए एंड बी क्या होगा यहां पर आप बताइए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, इंटीजर्स बोलेंगे इसको हम, बट बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या, सिर्फ √, जो भी √ के अंदर है उसको यहां पर रखना है, और 7 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 7 चल जाएगा बी के पास। तो फिर सेम सिचुएशन, हमें पता है यहां पर लिख सकते हैं सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफोर
ए बाय सेवन बी, ये पूरा का पूरा क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. लेकिन बट वी नो डैट अंडर रूट फाइव इज अ इरैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के बराबर होता ही नहीं, नॉट इक्वल टू है. इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेकिन यहां पर तो इक्वल टू दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमने एजम्पशन ही गलत मानी थी. तो देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमारे एजम्पशन को ही ये चैलेंज कर रहा है जो कि गलत प्रूफ कर दिया. तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, और एजम्पशन हमने जो मांगा माना था वो हमारा रॉन्ग हो गया. हैंस सेवन रूट फाइव इज इरैशनल नंबर. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स प्लस टू रूट टू. सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारा, ये दोनों क्वेश्चन हमारे इजी थे, सिक्स प्लस रूट टू. तो सेम सिचुएशन, लेट अस एज्यूम, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, आप घर पे से खुद भी लगा सकते हैं. लेट एज्यूम सिक्स प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर. तो यहां पर क्या होगा हमारा, सिक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी. अब आपको सेम चीज पता है, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर. जी हाँ, मन में बोलिए इस चीज को प्राइम इंटीजर. बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहां पर हम फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर को ले जाएंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा ए माइनस सिक्स और बी. आप देखो यहाँ पर वन है, आप एलसीएम लोगे तो इससे हमारा रूट टू के बराबर क्या होगा, हमारा एलसीएम में बी आएगा, सिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए. अब बिल्कुल सेम सिचुएशन, ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है, इसका मतलब ए माइनस सिक्स बी डिवाइड बाई बी इज अ रैशनल नंबर. तो यहां पर देखो हम ये बोलेंगे ए एंड सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर ए माइनस सिक्स बी डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय बी इज अ रैशनल नंबर. बट अंडर रूट, अंडर रूट क्या था हमारा पीछे, बट अंडर रूट टू था हमारा. तो बट अंडर रूट टू इज अ इरैशनल नंबर, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन. हेंस हमारा क्वेश्चन क्या था, सिक्स प्लस रूट टू इज इरैशनल नंबर. तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की है. इसमें हमने जितने भी नंबर थे उनको इरैशनल नंबर प्रूफ किया है. तो जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी खास कर आते हैं. तो पहला क्वेश्चन, रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर. तो इसमें हमने एक चीज़ देखी कि मैंने को प्राइम इंटीजर के बारे में बात करी है. तो को प्राइम इंटीजर एक कॉन्सेप्ट है इसमें, एक इसमें फाइव डिवाइड ए स्क्वायर फाइव ऑल्सो डिवाइड बी ए. तो ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ इसमें एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे, ये ना ये को प्राइम क्या होते हैं. तो फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो फाइव ए को भी क्यों करेगा. इसके बाद आपका मैं जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट मैंने यहाँ पर या डायरेक्ट हमने रूट फाइव को डायरेक्ट हमने क्या बोला कि ये एक इरैशनल नंबर है, जबकि पहले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था कि ये इरैशनल नंबर है पूरा का पूरा. लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर लिया है कि रूट फाइव इज अ इरैशनल नंबर. तो ये कैसे आया, इसके ऊपर बेस्ड
कॉन्सेप्ट और थ्योरम कौन सी लग रही है, और हमारा ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, ये तो मैंने बता दिया हालांकि, लेकिन अगर आपको इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट इस टाइप के जितने भी बेसिक्स प्रॉब्लम आपके आ रहे हैं और वो यूज़ हो रहे हैं, इनको अगर आपको डिटेल में करना है तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पार्टनर का है, जिसमें आपको बीट्स के नाम से एक चैनल खुलेगा और उसमें वो वीडियो डायरेक्ट प्ले हो जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें अपने बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें डिटेल में विद डिफरेंट क्वेश्चन के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ जाके एकदम क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।